हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज 12 जून एंड आज थोड़ा सा मेरा जो होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है वो मैं बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि बीच में एक दिन कल गैप हो गया था। नेक्स्ट दिन मतलब संडे को मैं और भाई मिलके जाने वाला हूँ राइड पे, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। आज फिर से बारिश हो रहा है। देखो सुबह तक सब ठीक ही था, लेकिन दोपहर आते आते फिर से बारिश। आज ठीक है, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं यहाँ पे। वैसे एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ लैपटॉप का जो अनवांटेड फाइल है और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड वगैरह वगैरह, जो अभी मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है वो सब डिलीट कर रहा था, मैनेज कर रहा था फाइल थोड़ा सा। अभी हो चुका है दोपहर एंड मैं नहा के और लंच करके अभी आ गया हूँ, क्योंकि कल का जो व्लॉग है वो अभी तक एडिट नहीं हुआ, शायद आज शाम तक आ जाएगा। गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ टमाटो, क्योंकि इसमें लाइकोपीन, केरोटीन ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। केरोटीन से तो मतलब जो कैंसर है ना, कैंसर का भी कभी कभी इलाज हो जाता है केरोटीन से, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। पापा बताएंगे क्या टोमेटो का क्या मतलब अच्छा गुण होता है। एक्चुअली टोमेटो खाने से, टोमेटो में विटामिन सी होता है, तो उसमें तो बॉडी में विटामिन सी, लाइकोपीन एंड केराटिन ये दोनों भी होता है। केराटिन कैंसर में भी काम आता है, और साथ में आपका अगर पेट में गैस होगा तो डाइजेस्ट सिस्टम में, हाँ, 4-5 तो टमाटो आप खा लेने से उसमें से आपका डाइजेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, गैस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इंस्टेंट सॉल्व हो जाता है क्या? मतलब ये सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, एज अ फ्रूट भी खा सकते हैं, सब्जी में, और सब्जी क्यों आप नॉन वेज में भी खा सकते हो, हाँ, समल करने से। देखो इसको, देखो मैं घर में आ गया, ये आके पास से पाँव से पूरा दरवाजा खटखटा रहा है। कैसे ये गाइस? अभी हो रहा है शाम का 5 एंड अभी मुझको पता चला मेरा जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप अभी नहीं होगा, कैंसिल हो गया है। मतलब मैं यूं ही परेशान हो रहा था, और मेरा जो व्लॉग है वो भी लगभग एडिटिंग ख़त्म होने वाला है, एक्सपोर्ट अभी एक्सपोर्ट कर दूंगा,
फिर अपलोड हो जाएगा। अभी बाहर बारिश हो रहा है बहुत, मतलब डेली का काम हो गया है बारिश गिरना, तो अभी लॉक करने जा रहा हूँ मैं। अरे यार यहाँ पे देखो, यहाँ पर टीन पे जो छेद हो गया ना गाइस, ऊपर से पूरा पत्थर गिर गया था इसका ऊपर, सो यहाँ पर जुगाड़ लगाया है, बाल्टी दे दिया हूँ। दो दिन पहले यहाँ पर बहुत बारिश हुआ था एंड बहुत तूफान हुआ था, तभी एक पत्थर आके यहाँ पर गिर गया एंड छेद हो गया। अगर आप लोगों के पास कुछ जुगाड़ हो इसके लिए प्लीज़ कमेंट में बोलिए। गाइस पापा मेरे ब्लॉग अकेला अकेला बैठ के देख रहे हैं, देखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ यहाँ पे देखो ना, एक तो छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, सब्सक्राइब कर दो यार। चलो बाय।